हेलो व्यूवर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। इसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट भी कहते हैं। अब नज़र डाल लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और इससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अफ्रीका में बुशमैन यानी कि कालाहारी, पिग्मी यानी कि कांगो बेसिन, बद्दू यानी कि सहारा मरुस्थल में मिलने वाली प्रमुख आदिम जातियाँ हैं। सहारा में पाई जाने वाली तुआरेग जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान सवाना और शीतोष्ण घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। 3 सितंबर 2012 को विश्व मौसम संगठन ने करीब 90 वर्षों से चले आ रहे अल अजीजिया यानी लिबिया के अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया, जिसके कारण अब विश्व का सबसे गर्म स्थान ग्रीनलैंड रेंज मृत घाटी कैलिफोर्निया यूएसए हो गया, जिसका तापमान 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मापन 10 जुलाई 1913 ईस्वी को किया गया था। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है तथा अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग केप कायरा रेल मार्ग है, जो दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के केप टाउन नगर से मिस्र के कायरा नगर तक जाती है। मिस्र में स्वेज नहर है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है। इस नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया, जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी की बचत होती है। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। मिस्र द्वारा 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। उत्पादन की दृष्टि अफ्रीका में किम्बरले खान, दक्षिण अफ्रीका और क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा बोत्सवाना विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट को दक्षिण अफ्रीका की प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, जो 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में स्थित है। चार झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल भी है। टैफिला लेड मरुद्यान, जिसका क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है, यह मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनिसिया व मोरक्को में 2500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तारित है। यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है, जो दक्षिणी पश्चिमी मोरक्को में स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। आसवान बांध नील नदी पर ही बना हुआ है। एबिसिनी पठार अफ्रीका उत्तर पूर्वी भाग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथोपिया में स्थित है। इबिनिसिया इथोपिया का नाम पूर्व इसी पठार के नाम पर पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका विश्व के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाले देश कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश ट्यूनिसिया है। स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बोजी नदी पर स्थित है। जाम्बिया में जेम्बेजी नदी पर निर्मित करीवा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कायरा है। दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन स्टेट्स यानी कि सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती नामक देश आते हैं। भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं गैबोन, कांगो गणतंत्र, युगांडा, कीनिया तथा सोमालिया। अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट पैदा होता है तथा अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अफ्रीका को आंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका का सर्वाधिक नगरीकृत देश लीबिया है। इस महाद्वीप में नाइजर नदी को पॉम तेल की नदी भी कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क व मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। विश्व में जल विद्युत शक्ति की संभावित क्षमता सबसे अधिक इसी देश में है। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नोटबुक आईएएस को।